टू माई चैनल, दिस इज सिक्किम को छोड़ी रोशनी ब्लॉग। सो आज का हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं रांका। सिक्किम के अंदर एक रांका बोल की जगह है जो घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। तो हम जा रहे हैं, मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी, मेरी मासी और मेरी छोटी सी स्पार्क कर रही है डॉगी। तो हम जाएंगे रांका और आपको भी दिखाएंगे रांका, क्योंकि मेरा भाई वहीं पर जॉब करता है, तो उसने आज बुलाया हमें कि आप लोग आए घूमने आओ। तो आज हमें घुमाएंगे रांका बिरोज। पुरा गरम भयो, हामी गाडीमा आएर हप्पा भइरहेछ। अब उसले एसी चलाउँछ कि फ्यान चलाउँछ के चलाउँछ थाहा छैन हो। हामी चाहिँ निक्लेको, अब हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ रांकाको यात्रा। यति सुन्दर यति राम्रो जग्गाको ओनर हुनुहुँदो रहेछ है म्याम, अलिकति यो जग्गाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। फाइभ स्टार होला, फाइभ स्टार पनि ज्यादै होला। ओ हजुर, रानीपुर टु यहाँसम्म चाहिँ 6 to 7 किन किलोमिटर्स पुग्छ है। त्यसरी मेरो चाहिँ ससुराल चाहिँ दिल्लीमा हो, त सबै मेरो फ्यामिलीहरूलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। डेफिनेटली मलाई चाहिँ भेट्नुहोस् है तपाईँ चाहिँ। ए तपाईँको नाम अदित्य, अनि म्याम तपाईँको नाम? मेरो च्यानलको नाम हो सिक्किमको छोरी रोशनी। हजुर च्यानलको नाम, अनि म एक दुई दिनमा अपलोड गर्छु, प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल। बाय, थ्याङ्क यू, बाय बाय। सुन्दर जग्गा है ये, क्या बताऊँ मैं, मतलब सॉरी मास्क कंटिन्यूसली पहन रखा है। बहुत सुंदर जगह है ये, मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मतलब देखना। मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, अगर सिक्किम आओगे तो डेफिनेटली ये सिक्किम रानीपुल जगह है, वहाँ से यहाँ पर आने के लिए आपको 6 to 7 किलोमीटर्स खाली, तो आप यहाँ आ सकते हो घूमने। और खाना भी बहुत टेस्टी टेस्टी था, हमने खाया नहीं बट मैंने देखा, बट मैं डेफिनेटली यहाँ खाऊंगी दोबारा आके, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो घूमने के लिए। मंदिर है श्यामा माकिम, ये जगह का नाम है माकिम, रांका रोड में ही पड़ता है, रांका में ही होनी है। हाँ मंदिर जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे ऊपर जाकर कैसा बना हुआ है अंदर से। स्पाको को देखो यहाँ कैसे लिफ्ट में कैसे बैठी हुई है। स्पाको, स्पाको ये देखो कैसे बैठी हुई है। ये क्या 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 जगह का नाम है एक बार बता दो।
तो उनके कल्चर के रोशन ने मना कर दिया था खाने के फोटो खींचने के लिए वीडियो बनाने के लिए क्योंकि वो बोल रहा था कि खाना अच्छा नहीं बना है लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो मेरे तीन भाई हैं, तीन भाई में से सबसे बड़े भाई ये हेलो तो बंदे काम सकले हेलो हेलो तो इसका नाम है रोशन। रोशन यहाँ क्या करता है तो हमने बता दे भाई कितनी बदतमीज है। तो यहाँ पर रोशन गेस्ट हाउस चलाता है, यहाँ पर इसके सारे जैसे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनके यहाँ पर गेस्ट हाउस है, तो यहाँ रोशन गेस्ट हाउस चलाता है। बस ये इतने रूड हो रहे माने चलो कस्तो लाग्दैछ मलाई तपाईँ त डेलिभरै आएको जस्तो लाग्यो। स्पाको हेलो से हाई से हाई टु क्यामेरा। अब इन्ट्रक्सन दे न, अब क्यामेरा मेरे भाइले पक्राया तो भाइ अपना इन्ट्रक्सन दे रे। मैं कुछ नहीं बोलने वाली भाइ। अब प्रोको हातमा क्यामेरा छ दे न भन्न। I don't know how to speak, so I don't know how to speak. No. Oh, sorry, he bulat. उसको पता नहीं कैसे बात करते हैं, वो बात नहीं कर पाता। अच्छा ये तो so yeah. This place is called Porbing. It's nearby Rangthak, and this is where I'm from. Oh. सुनी आ रही होगी ये पानी की आवाज की वजह से। बट ठीक है कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमें, इतने मजा आ रहा है। ठंडा ठंडा पानी मन कर रहा है वहां जाके भीगूं, बट मेरे गला खराब है, बुखार आ सकता है, इसलिए मैं नहीं भीगूंगी। ये और जगह दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखो रोशन और स्पार्कल गई है अंदर। स्पार्कल तो डरती है, नहीं जा सकती वो। ओ देखो पानी पी रहे है स्पार्कल। ये साफ पानी होता है, बहुत साफ पानी। पापो चलो जाए, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी जल्दी। अब यहाँ से जा रहे हैं हम दूसरी जगह घूमने, वहाँ भी दिखाऊंगी आप लोग को। आज तो बहुत सुंदर सुंदर जगह दिखाऊंगी आप लोग को। रांका गुम्बा है, रांका मोनेस्ट्री। ये बुद्धिस्टों का बहुत बड़ा गुम्बा है, टेंपल है ये, जिसे देख पा रहे हो आप। इतने बड़े, इतना बड़ा है और ऊपर ऊपर मैं तो चलना ही चल ही नहीं पा रही हूँ, इतना मुश्किल हो रहा है ना। चलने की आदत सब कुछ, चलने की आदत ही भूल चुकी हूँ। सांस भूल रहा है थोड़ा सा, चलो तो सांस। एन्ट्री यताबाट यताबाट जानुहुन्छ? अच्छा एन्ट्री यहीँ से है, यहीँ से जानु पऱ्यो क्या एन्ट्री। मैं अन्डर दिखाती हूँ आपको। यहाँ
लग गए। यहाँ से अंदर जाना है। ये थक गए। जाने के लिए देर है, बोले जा सकते हो आप लोग। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ, मुझे खुद ही पसंद आ रहा है। बचपन में आते थे यहाँ पर। तो हम ना यहाँ बचपन में आते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे ना, तो यहाँ पर मम्मी के साथ, मासी के साथ, मामाओं के साथ आते थे। तो यहाँ पर हमारे बचपन की यादें भी हैं। मुझे तो याद आ गया, मैं यहाँ आई थी ना, जैसे मैंने देखा पीछे, मुझे बहुत याद आ गई बचपन की। तो मैं बचपन में आई थी, और बचपन में 2-3 बार आई थी, उसके बाद आज आई हूँ। आप लोग बताना आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग सबको ये जगह कैसा लगा, ठीक है? बताना, हाँ भूलना मत, ये जगह है ही सुंदर, सच में बहुत सुंदर है। भित्र जानु दिन्छ, यहाँ भित्र भिडियो बनाउनु हुन्छ, जानु दिन्छ, भित्र भिडियो बनाउनु दिँदैन बा, होइन यहाँदेखिको त दिन्छ होला नि त। हुन्छ, यहाँ से अन्दर भिडियो बनाने नै दे रहे हो। उन्होंने बोला कि सिर्फ बाहर से भिडियो बनाना, अन्दर से नहीं बना सकते। लामा जी ने बोला, तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ से, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं दिखा दे रहा। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ तक दिखा दिया, काफ़ी है। की नाम हो तुम्हारा? राजू लामा, ये हमारा राजू है। राजू, अच्छा आप यहीं रहते हो? ऊपर रहते हो, पढ़ाई भी यहीं करते हो? ऊपर रहते हो। राजू जी, हमारी राजू जी बहुत क्यूट राजू है। हमारा नाम रोशनी है, मेरा नाम रोशनी है। तुम यहीं बसो आमा बाबा रो है ना? असम लिंजे असम माँ, उसके मम्मा असम में रहती है और मिलने आती है, हाँ छुट्टियों में मिलने आती है। इनकी यहीं पढ़ाई होती है, यहीं पर सब कुछ, मतलब ये जितने हैं ना सब यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं। तो इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स इनसे मिलने आते हैं छुट्टियों में, है ना। चलो बाय बाय तक दे। तो यहाँ पर आप जितने मर्जी शॉपिंग कर सकते हो, स्कार्फ है ये, यहाँ का टिबेटन ड्रेस, इसको बोलते हैं बक्खू, इसको बोलते हैं बक्खू, बोलते हैं हंजू, जो अंदर ये पहनते हैं इसको बोलते हैं हंजू। ये भित्र बनाउँदा हुन्छ, भिडियो बनाउँदा हुन्छ, ए हुन्छ। सारेस पहनने के लिए ये सुंदर सुंदर लग रहा है, बक्खू में पहनते हैं सारे। कितना सुंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो, अरे बोलो पीछे। यहाँ पर घूम भी सकते हो आप, शॉपिंग भी कर सकते हो। पापा आ जाओ।
जाओ बेटा। स्पाको इधर आओ बेटा। स्पाको एकदम मस्ती में अपनी ड्रेस। आज हामी बहुत जग्गा घुम्यौँ, राङ्का गुम्बा राङ्काहरू, मतलब दामी दामी जग्गाहरू देख्यौँ हामी। हुनु त यहीँको हो, यहीँ जन्मेको हामी, यहीँ बसेको, तर घुम्नु ओर्नु चाहिँ बहुत कम्ती हुन्छ। तर आज हामी घुम्यौँ। मेरो छ्यामा बिचरा अलिक तबियत ठिक नभएर त्यही कारणले बाहिर त्यति निस्किनु भएन, अनि आमा पनि आज बिचरा स्पार्कल सम्हाल्दै ठिकै छ, स्पार्कलले तङ गरे गरेको छ। अनि यता हाम्रो भाइले पुरा जग्गाहरू राम्रो राम्रो जग्गा अझै लान्छ, मलाई लान्छ भएन लान्छ उसले अझै। अब आजको लागि चाहिँ हामी भिडियो एन्ड गर्दैछ। तबसम्म तपाईँहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ, अनि लाइक गरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ। बाई बाई बाई। लाइक सब्सक्राइब और कमेन्ट गर्न मत भुल्ना। बाई बाई। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। जितनी सुंदर जगह आज दिखाया है, कोशिश करूँगी अगले बार भी मैं अगले टाइम में भी नेक्स्ट ब्लॉग में भी बहुत सुंदर जगह दिखाऊँ। तब तक के लिए प्लीज़ जब मेरे वीडियो देखोगे आप, तो उसको देख के मत छोड़ना, उसको लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आपको कुछ चीज़ें पूछना हो सिक्किम के बारे में या किसी के बारे में भी, तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय बाय।